हेलो एवरीवन, नाउ इन दिस वीडियो वी गोना नो अबाउट द एसिडिटी. ठीक है, व्हाट्स द रीजन ऑफ एसिडिटी इन डेली हैबिचुअल रूटीन, व्हाट कॉसेस द एसिडिटी. नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट नाउ इन दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एसिडिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेस टाइम. इट कैन कॉज मेनी डिजीज अवर हेल्थी बॉडी, लाइक स्टमक कैंसर हो सकता है. उसके बाद हमने कभी भी अक्सर ये चीज़ देखा होगा कि जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसमें बेसिकली हार्ट बर्न जैसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट एक नॉर्मल कंडीशंस, हम फूड हमारे माउथ से एंटर करते हैं, उसके बाद वो इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. स्टमक में क्या होता है, वो HCl हमारा क्या होता है, सिक्रेट होता है. और इट्स हमारा जो फूड होता है, इट्स कम अंडर द कॉन्टेक्ट ऑफ HCl एंड डाइजेस्ट फूड. इट्स अ नॉर्मल मैकेनिज्म जो कि हम सभी को पता है. ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म हो गया. अब हम जानते हैं एसिडिटी कैसे कॉज होती है. ठीक है, नॉर्मली अगर मैं एक बात बताऊँ कि हम फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में उठे. ठीक है, मॉर्निंग में उठने के बाद आपने देखा कि हमारे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में 20 ml HCl का प्रोडक्शन हुआ है, HCl सिक्रेट हुआ. ठीक है, और हमने सुबह सुबह कुछ खा लिया. ठीक है, हमने खा लिया और उसके बाद हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ. जो हमने खाया हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ, लेकिन रिमेनिंग अभी भी हमारे स्टमक में HCl बचा हुआ है. ठीक है, तो ये जो होता है मेन बेसिकली क्या होता है, एसिडिटी का रीज़न होता है. हमारे बॉडी में फूड कम है लेकिन एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है. एसिड की जो हम बोल सकते हैं क्वांटिटी हमारे बॉडी में ज़्यादा हो रहा है. दिस इज़ मेनली रीज़न ऑफ एसिडिटी. इट इज़ मेनली कॉज द रीज़न ऑफ एसिडिटी. क्लियर. लाइफ स्टाइल चेंजेस दैट मिनिमाइज द हार्ट बर्न आर गिवन बिलो. लाइक मैनेज योर वेट, अवॉइड फूड एंड ड्रिंक ट्रिगर्स. ठीक है, उसके बाद एंजॉय स्मॉलर अमाउंट फ्रिक्वेंट मील्स. ठीक है, दिस ऑल थिंग हेल्प्स टू अवॉइड द एसिडिटी.